नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित कुमार, आपका आध्यात्मिक दोस्त और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम वीडियो सीरीज बना रहे हैं राशि आयु के ऊपर। पूर्व के वीडियो में हमने वार आयु के ऊपर बात किया। अगर आपका जन्म 7 वार में से किसी भी वार में हुआ हो तो उस जातक की क्या आयु निर्धारित की गई है। दोस्तों, अगर ज्योतिष शास्त्र में आयु के ऊपर देखा जाए तो आयु के 8 भेद बतलाए गए हैं। जो पराशरा आदि पूर्व आचार्य हुए उनके द्वारा यह 8 भेद बतलाया गया है, जिसे हम निसर्ग आयु, पिंड आयु, लग्न आयु, अंशकायु, रश्मिजा आयु, चक्र आयु, नक्षत्र आयु और अष्टक वर्ग आयु कहते हैं। दोस्तों, इन आयु को कैलकुलेट करना थोड़ा कठिन है अभी के लिए, आप सभी के लिए अभी थोड़ा कठिन है, क्योंकि इसके लिए वैदिक गणित को जानना होगा, वैदिक मैथमेटिक्स को जानना होगा, साथ ही अन्य और भी कई टेक्निकल वर्ड्स की समझ आपको रखनी होगी, तभी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये मैथमेटिक्स थोड़ा लेंदी होता है, जिसके ऊपर हम आगे धीरे धीरे बात करेंगे। तब तक आप जो ज्योतिष शास्त्र के मुख्य तत्व होते हैं उसको आप समझ लें, तभी हम इन विषम विषयों पर वीडियो बना पाएंगे। दोस्तों, वैसे अगर सरल विधि देखी जाए तो वह यही है कि आप अपनी वार आयु को देखें, साथ ही आप अपनी राशि आयु को देखें और अपने लग्नेश और लग्न भाव को देखें, साथ ही अपने अष्टमेश और अष्टम भाव को देखें। उससे आप एक लमसम कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि आपकी आयु क्या निर्धारित की गई है ज्योतिष शास्त्र के प्रिंसिपल के आधार पर। ज्योतिष शास्त्र आपको बहुत ही सटीक कैलकुलेशन देता है। आप राशि आयु के आधार पर यह भी जान सकेंगे कि आपके जीवन में कितनी बार अल्प मृत्यु आएगी। अल्प मृत्यु का अर्थ है मृत्यु तुल्य कष्ट, मृत्यु के समान जो भी कष्ट हमारे शरीर में होता है उसे हम अल्प मृत्यु कहते हैं। दोस्तों, आयु जानने से पहले मैं आपको एक बात और बतला दूं कि हर राशि में टोटल 9 चरण होते हैं और यह चरण भी नक्षत्रों का चरण होता है। जैसे आप जानते हैं कि टोटल 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्रों में भी हर नक्षत्रों में भी टोटल 4 चरण देखे गए हैं और 27 × 4 किया जाए तो टोटल 108 हुए, अर्थात पूरे कुंडली चक्र में टोटल 108 चरण होते हैं और यह सभी 108 चरण 12 भावों में विभाजित हैं। तो इससे यह पता चलता है कि हर राशि में टोटल 9 चरण होते हैं। तो अगर आपका जन्म मान लिया जाए कर्क राशि में हुआ है तो आप कर्क राशि में कौन से चरण में जन्म लिए हैं उसका भी एक अपना फल होता है। चरण को इजीली समझने के लिए मैं डिग्री बतला दे रहा हूं। जैसे हर राशि में टोटल 30 डिग्री होते हैं और कर्क राशि का अर्थ हुआ कि चंद्रमा आपके जन्म के समय कर्क राशि में थे, 4th नंबर वाले राशि में थे। तो अगर आपका चंद्रमा का डिग्री 0 से 3.2 डिग्री तक है तो आप पहले चरण में हैं। अगर आपका चंद्रमा का डिग्री 3.2 से 6.4 डिग्री तक है तो दूसरे चरण में, 6.4 से 10 डिग्री तक है तो तीसरे चरण में, 10 से 13.2 डिग्री तक है तो चौथे चरण में, 13.2 से 16.4 डिग्री तक है तो पांचवें चरण में, 16.4 से 20 डिग्री तक है तो छठे चरण में, 20 डिग्री से 23.2 डिग्री तक है तो सातवें चरण में, 23.2 से 26.4 डिग्री तक है तो आठवें चरण में, और 26.4 से 30 डिग्री तक अगर आपका चंद्रमा है तो वह 9वें चरण में हुआ। तो अगर आपका जन्म कर्क राशि में हुआ है तो कर्क राशि में पुनर्वसु के 1 चरण होता है, पुष्य नक्षत्र का 4 चरण होता है और अश्लेषा नक्षत्र का 4 चरण होता है। यह जो कर्क राशि होती है यह चंद्रमा का ही अपना क्षेत्र है। वैसे तो हर नक्षत्र के अलग अलग स्वामी ग्रह होते हैं, लेकिन यह जो कर्क राशि हुआ इसके जो अधिपति ग्रह हैं वो कम्प्लीटली चंद्रमा है। आइए हम जाने अलग अलग 9 चरणों में जन्म लेने का क्या फल होता है। अगर किसी जातक का जन्म कर्क राशि में प्रथम चरण में जन्म हुआ है तो वैसा जातक धन युक्त होता है। अगर कर्क राशि के दूसरे चरण में हुआ है तो वैसा जातक भूमिपति होता है, अर्थात राजा होता है, या फिर उस जातक के पास
बहुत ही ज़्यादा संपत्ति होती है, लैंड होता है। अगर कर्क राशि के तीसरे चरण में जन्म हुआ है तो वैसा जातक धन, शरीर और तपस्या इनमें श्रेष्ठ होता है, अर्थात अधिक धनवान, सुंदर शरीर वाला और उत्तम तपस्वी देखा गया है। अगर चौथे चरण में है तो विद्वान होते हैं ऐसे जातक। अगर कर्क राशि के पांचवें चरण में कोई जातक जन्म लिया है तो वह धर्मात्मा होता है। कर्क राशि के छठे चरण में चोर देखा गया है और सातवें चरण में धनहीन होता है। आठवें चरण में कोई जातक अगर जन्म ले कर्क राशि के तो वैसा जातक देशपति अर्थात किसी देश का राजा देखा गया है। और नौवें चरण में कोई जन्म लेता है तो कुल रक्षक होता है, अर्थात अपने कुल की रक्षा करने वाला देखा गया है। आइए हम कर्क राशि के जातक के आयु के ऊपर बात करें। जो भी जातक का जन्म कर्क राशि में हुआ है वैसा जातक अपने जन्म से 11वें दिन में अल्प मृत्यु प्राप्त करता है। अल्प मृत्यु का अर्थ है उसके शरीर में मृत्यु के समान कष्ट होता है। वैसा जातक 9वें महीने में और 9वें वर्ष में भी रोग और कष्ट को प्राप्त करता है। 7वें वर्ष में जल घात होता है, अर्थात इनको जल से बचना चाहिए 7 वर्ष तक। 9वें वर्ष में अंग रोग और 27वें और 35वें वर्ष में अल्प मृत्यु को प्राप्त करता है, अर्थात 27 वर्ष और 35 वर्ष जब जातक का होगा तो इन समय में उनके शरीर में कष्ट होगा। फिर वैसा जातक 45 वर्ष में देव दोष को पाता है और ऐसा जातक 55 और 61 वर्ष में अल्प मृत्यु या राज कष्ट या असाध्य रोग को देखने वाला होता है। ऐसे जातक को इन वर्षों में अग्नि भय, सर्प घात और जल घात भी देखा जाता है। इनको सांड से जो नंदी है उनसे बचकर रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी क्या राशि है या फिर आपका जीवन किस प्रकार का रहेगा, आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है और उसको आप ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से समझना और सॉल्व करना चाहते हैं तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन देता हूं। आप इसके लिए astro4u.com में भी संपर्क कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम सिंह राशि के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। We'll be right back.